युवा कल्याण गतिविधियां। राज्य के युवा शक्ति को संगठित कर प्रदेश के विकास में सहभागिता बढ़ाने हेतु राज्य युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 11,664 एवं नगरी क्षेत्र में 1,605 क्लबों का गठन किया जाएगा। इसके लिए 75 करोड़ का प्रावधान है। नारायणपुर जिले में आदिवासी विद्यार्थियों के मलखम कौशल को निखारने के लिए मलखम अकादमी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 2,63,00,000 का प्रावधान है। लावांडी जिला रायपुर में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी के सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण के लिए 1,70,00,000 का प्रावधान है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय विकास गतिविधियां, जनता के मांग के अनुरूप स्थानीय विकास के कार्यों की त्वरित स्वीकृति दिए जाने के उद्देश्य से विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए इसमें तो आप लोग भी 364 करोड़ का प्रावधान। इसमें तो ताली आप लोग भी बजाइए भाई। धन्यवाद धन्यवाद जी। क्या क्या निकल रहा है देख करो, एक बार तो बोल दो क्या क्या निकल रहा है। कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री के कटनी ने भी बंद करवा दो। चंद्राकर जी क्या ख्याल है आपका? जिला पंचायत अध्यक्ष हो तो जिला पंचायत अध्यक्षों हेतु 15,00,000, उपाध्यक्षों हेतु 10,00,000 एवं सदस्यों हेतु वो थाली बजा रहे हैं 4,00,000। धर्मजीत भैया मैं फिर से पढ़ देता हूँ, आप सुने नहीं। जिला पंचायत अध्यक्षों हेतु 15,00,000, उपाध्यक्षों हेतु 10,00,000 एवं सदस्यों हेतु 4,00,000 प्रति वर्ष के मान से जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान। जनपद पंचायत अध्यक्षों हेतु 5,00,000, उपाध्यक्षों हेतु 3,00,000 एवं सदस्यों हेतु 2,00,000 प्रति वर्ष के मान से जनपद पंचायत विकास निधि योजना के लिए 66 करोड़ का प्रावधान। जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000, जिला पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 15,000 एवं जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000 प्रतिमाह किया जाएगा। जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000, जनपद पंचायत उपाध्यक्षों को मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 एवं जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 5,000 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूं।